नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार, मैं उज्ज्वल झा। जैसा कि मोदी जी का आह्वान था और हमने आपको दोपहर में दिखाया भी था कि ये नवंबर दिसंबर की दिवाली नहीं है, यह है 5 अप्रैल की दिवाली। जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि हम इस टाइम मौजूद हैं एक कॉलोनी में जहाँ पे फुल दिवाली मनाई गई है। और यही नहीं, मोदी जी ने सिर्फ यही कहा था कि दिवाली जला के, टॉर्च जला के, मोमबत्ती जला के इसका स्वागत कीजिएगा, लेकिन यहाँ पटाखों की भी बात हुई। यहाँ पे कुछ क्षेत्रवासी यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आज का दिन उन्होंने किस तरीके से एंजॉय किया। हमारे साथ क्या नाम है आपका? अजयपाल शर्मा। प्रजयपाल शर्मा। अजयपाल शर्मा। अजयपाल शर्मा जी, ये बताइए जो नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था उसको किस तरीके से आपने निभाया? नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, जिस हिसाब से वो लॉकडाउन किया है उस हिसाब से अगर सारे लोग उनका सहयोग करें तो संपूर्ण रूप से हम कोरोना पे अपनी जीत कर मतलब जीत पा लेंगे और लगभग पा ही चुके हैं, क्योंकि दूसरे देशों के हिसाब से अपने यहाँ बहुत कम है मरीज। और बाकी एंजॉय तो ये है कि खाली समय में टीवी देखते हैं, रामायण चल गई है, महाभारत चल गई है, अपने यहाँ चाणक्य आ रहा है। आप क्या मानते हैं कि जो रामायण है और ये दिवाली जो रामायण है और भी तमाम तरीके के डीडी वन पे कार्यक्रम नहीं आते थे वो फिर से शुरू हो गए? बस फिर से शुरू हो गए। और दूसरे काफ़ी मतलब लोगों को जो जैसे हम हैं पूरे दिन काम से रहते हैं, अब समय घर पे बीत रहा है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अब ये है लॉकडाउन शुरू होगा, ख़त्म होगा, उसके बाद देखते हैं फिर। देखिए कहीं ना कहीं लोगों में जो उत्साह है वो साफ साफ ये इस कॉलोनी में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर दिए की बात करेंगे तो साफ साफ हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो इनके द्वार पे जो दिए लगे हुए थे वो लगातार आप देख सकते हैं कि दिया बहुत ही तरीके से लगाया गया है और लोग भी बाहर निकल के आए हुए हैं। और जब अमृत विचार की टीम यहाँ पे पहुंची तो लोग भी थोड़े बहुत बाहर निकल के आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र। क्या करते हैं आप? एम्बुलेंस चलाते हैं सर। एम्बुलेंस चलाते हैं। देखिए बहुत ही ऐसे आदमी मिले हैं जो मतलब सेवा, जो लॉकडाउन है 14 दिन का लॉकडाउन है, आप समझ सकते हैं इसमें बहुत ही कम लोग जो है सेवा के भाव से निकलते हैं और जिनकी मजबूरी भी है उसको सेवा कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए। क्या नाम? नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई ये बताइए कि आज जैसा कि लॉकडाउन था और उसके बाद जनता की सेवा ही कर रहा हूँ और सेवा करता रहूंगा। ये बताइए कि आपने जो मोदी जी का आह्वान था उसको कैसे निभाया? अच्छे से निभा रहा हूँ, अच्छी तरीके से निभा रहा हूँ, बढ़िया, बहुत अच्छे से निभाया। देखिए सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, जो मोदी जी ने आह्वान किया था उसे बहुत लोग उत्साहित हैं। देखिए और लोग हमारे साथ में यहाँ पर एक साथ आ गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? कमलेश अग्रवाल। कमलेश जी किस तरीके से मनाया आज मोदी जी का आह्वान को आपने? बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है, जो आह्वान मोदी जी ने किया था उसके प्रकार सब लोग बड़ा उत्साह वर्जन के हिसाब से सब लोग कार्य कर रहे हैं, सब अच्छी तरह निभाया जा रहा है। सब जो भी हर के मीडिया वाले हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, सफाई कर्मचारी हैं, तो उनके उत्साह वर्धन हेतु ये मोदी जी ने आह्वान इसका किया था। तो एंजॉय किया आपने या उनके जो उन्होंने कहा था वो निभाया आपने? जो एंजॉय किया है निभाया भी है, दोनों काम किए हैं। अच्छा ये बताइए एक छोटा सा सवाल है, दिए के साथ में पटाखे जलाए कि नहीं जलाए? हाँ पटाखे जलाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो जो पटाखे की शोर है हम लोगों की, हालांकि बहुत जगह नहीं होता ये, भारत में ही होता है ये, तो पटाखे की शोर है उससे कोरोना भागेगा? भागेगा। देखिए बहुत अच्छी खबर ये है, जैसा कि क्षेत्रवासी बता रहे हैं कि पटाखे की आवाज से कोरोना जरूर भागेगा। और भी बहुत लोग हैं, आप देख भी सकते हैं कि जो दीपावली एक दिख रही है। सर क्या नाम है आपका? राकेश कश्यप। राकेश जी किस तरीके से आज आपने मनाया जो मोदी जी का आह्वान था? जैसे मोदी जी ने हम लोगों से आह्वान किया देशी जनता से कि उत्साह का एक प्रदर्शन होना चाहिए, पूरे देश ने और हमारे कॉलोनी ने विशेष करके बहुत बड़े तरीके से एक उत्साह का संचार हुआ है। क्या लगता है कि मोदी जी ने एक नई दिवाली का जो है आह्वान कर दिया था? जी जी बिल्कुल, कोरोना से लड़ने के लिए एक नई दिवाली का आह्वान उन्होंने किया और उसका हम सब देशवासियों ने भरपूर मान किया। देखिए बहुत अच्छी बात राकेश जी ने बताया कि जो मोदी जी ने आह्वान किया था, हालांकि उन्होंने दिवाली का ही किया था, दीपावली का किया था, लेकिन यहाँ पर पटाखों की भी गूंज दिखी और कहीं ना कहीं जो लोगों से बात निकल के आ रही है तो वो साफ साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि कोरोना
भाग जाएगा। ऐसे और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? सोमपाल कुमार। सोमपाल जी, किस तरीके से मनाया मोदी जी का आह्वान? बहुत अच्छे तरह से मनाया, और जैसे मना मिला वैसे मनाया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना भाग ही जाएगा। दीपक भी जलाया, सब कुछ जलाया। देखिए बड़ा हर्ष और खुशी का माहौल है इस कॉलोनी के अंदर, और साफ साफ कहना ये है जी। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा। अंकित जी बताइए, किस तरीके से मनाया जो मोदी जी ने कहा था? बहुत अच्छी तरीके से, और जो मोदी जी ने कहा उससे बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कोरोना भागे जल्दी से जल्दी जो भी है। अच्छा, देखिए कोरोना को भगाने के लिए लोग एक कहते ना हद, वो कहीं भी जाने को तैयार हैं, किसी हद तक जाने को तैयार हैं, और आज दियाली के साथ में पटाखे भी फूटे, ये एक बरेली के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और माननीय नरेंद्र मोदी का जो आह्वान था, कहना चाहेंगे कुछ? जी बताइए, क्या नाम है सर आपका? YTS जैन। जैन साहब बताइए, कैसे मनाया आपने जो मोदी जी ने आह्वान किया था, और क्या मानते हैं उनके आह्वान को? हमने दीपावली में जैसे दीपक जलाते हैं, ठीक इसी प्रकार से घर में रखे हुए दीपकों को इस्तेमाल करके दीपक जलाए, और कोरोना के प्रति जो देश में जो एक लड़ाई छिड़ी गई है, उसमें सब हम लोग एकता से और डिस्टेंस को बनाए हुए इस लड़ाई में सफल बनाने के लिए ये उत्सव मनाते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ दिख रहे हैं, हम बच्चों से पूछेंगे कि आज एक नई दिवाली इनको देखने को मिली है, जो कि बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं जब दिवाली होती है, तो बड़े उत्साहित होते हैं, तो ऐसे में हम बच्चों से, कुछ बच्चे हैं हमारे साथ में, बेटा क्या नाम है आपका? हर्ष पांडे। हर्ष बेटा, आप आज आपने मोदी जी का लेक्चर सुना था जो उस दिन आया था? अच्छा, तो आज आपने क्या क्या किया? पटाखे जलाए, दीप जलाए। अरे वाह बेटा, क्या लगता है कि जो आपने पटाखे जलाए, कोरोना का नाम सुना आपने जी। अच्छा, क्या लगता है कि हम लोग जो आपने पटाखे दगाए और क्या नाम है जो दीपक जलाए, इसे कोरोना लग जाएगा जी। पक्का? देखिए बच्चों में जो उत्साह है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस का जो डर है वो भागता हुआ नजर आएगा यहाँ से। फिलहाल हम बरेली के कॉलोनी में आए हुए थे और यहाँ का नजारा आप देख भी रहे होंगे कि एक बच्चा और आ गया। बेटा क्या नाम है आपका? अभय गंगवार। अभय, ये बताइए कि किस तरीके से आज जो मोदी जी ने कहा था उनको किस तरीके से आपने मनाया आज? उन्होंने जो भी करा वो भी सही है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी चीज है जो कोई भी नहीं भगा सकता, और मोदी जी ने ये लॉकडाउन करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा करा है, क्योंकि जो सारे लोग थे वो सब घूमते हैं पर अब वो अंदर है, और पुलिस वाले मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारी जान की रक्षा करके खुद अपनी जान जोखिम में दे रहे हैं। देखिए बहुत ही सॉलिड बात कही बच्चे ने कि जो आह्वान था और उसको बहुत अच्छे तरीके से, मोदी जी की तारीफ अगर करें तो ये बच्चा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया गया, फिर जो मोदी जी का आह्वान था उसका पालन किया गया, और वाकई में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पहुँचे थे और जो कॉलोनी है यहाँ पर, लगातार हम आपको दिखाएंगे कॉलोनी का जो हाल है। और दिए की बात करेंगे अगर हम, तो दिया आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा भले ही बंद हो लेकिन दिया ज़रूर आगे लगा हुआ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार कैमरा जूम करके और यहाँ पर दिखाए कि दियाली किस तरीके से यहाँ पर जली हुई है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर और भी आए हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे, जो महिलाएं होती हैं घर में वो सबसे अहम मानी जाती हैं, हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे यहाँ पर कि उन्होंने किस तरीके से इस एक तरीके का जो त्यौहार हुआ है आज, जो मोदी जी ने नया त्यौहार किया है उसको किस तरीके से महिलाओं ने मनाया है। हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। देखिए एक लेडी है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? नीता त्यागी। नीता जी, ये बताइए कि जो मोदी जी का आह्वान था उसको आपने किस तरीके से फॉलो किया और क्या मनाया आज आपने? हमने दीपावली की तरह से मनाया इसको, और दिए जलाए, कपूर जो बताया वो भी जलाया, लोंग भी लगाई, और जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे देश को लॉकडाउन की जरूरत थी, इसलिए लॉकडाउन ही जो है यही हमें सबको बचाएगा, और हम लोग हमारी कॉलोनी वाले पूरी तरह से अपना इसका पालन कर रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छी सोच, जो हम कहेंगे बहुत ही अच्छा सोच इनका, जो साफ साफ कहा है कि मोदी जी ने कहा वो अच्छा है और हम उसका पूरा पालन करेंगे।